जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है, हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलने का गति नहीं बढ़ाते, तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़ता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। 35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना पड़ता। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होता। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से, और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लीक से हट करके चलना चाहते हैं, और इसलिए हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज गति से काम किया है, उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने 5 साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं। अगर तेज गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर गति तेज न होती
तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी, वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया है।